नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि आगे जाके किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज के बाजार से और सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1928 पर है, बढ़त देखने को मिल रही है, हरे निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है सोना। इसके साथ बात करें यहां से अगर सिल्वर की, तो सिल्वर भी $25.3 पर ट्रेड करती नजर आ रही है आधे फीसदी की बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर आज तेजी के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि सोने चांदी में ऊपरी स्तर से एक थोड़ा सा दबाव बनता नजर आया था, लाल निशान पर ट्रेडिंग देखने को मिली थी, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में यहां से अब एक बार फिर से बढ़त का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है रशिया यूक्रेन को लेकर, उसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं कभी ज्यादा ऊंची जा रही हैं तो कभी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, लेकिन फिर से कीमतें ऊपर की ओर चली जाती हैं। अभी सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है वो निकल रही है, काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हमने लॉकडाउन वाले लेवल्स भी, उनके करीब भी सोने चांदी की कीमतों को ट्रेड होते हुए देखा है और अब भी देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें बढ़त की ही उम्मीद है। जानकार भी लगातार यहां से यही बता रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं अभी उनमें और तेजी देखने को मिल सकती है। सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है ये अभी कंटिन्यूएशन में रह सकती है, जो रैली निकल रही है अभी इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल रशिया यूक्रेन के चलते सिर्फ कच्चा तेल और नेचुरल गैस ही महंगा नहीं हुए हैं, बल्कि जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जैसे खाद्य तेल हुआ, मेटल्स हुए, ये भी महंगे हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमी को रन करती हैं। अब महंगाई दर बढ़ सकता है और बढ़ भी रहा है धीरे धीरे, उसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। तो सोने चांदी की कीमतों में अभी ये जो तेजी है ये आगे भी जारी रह सकती है, कंटिन्यूएशन में रह सकती है। बात करेंगे यहां से कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि कच्चे तेल में WTI इस वक्त $113 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2.5% से ज्यादा की बढ़त है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $116 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 3% की बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है अब वो एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कल के कार्रवाई सत्र में हमने देखा था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 के पार निकला था, अभी भी देख रहे हैं कि $110 के पार है, लेकिन अब एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है, $116 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल में देख रहे हैं जोरदार बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, WTI भी $113 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बुधवार के दिन यानी कि बीते कारोबारी सत्र में ओपेक और उसके सहयोगी देशों की बैठक हुई थी, ओपेक की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसको देखते के बावजूद भी कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है। उनका कहना है कि वो अपने जो पहले वाला प्लान था 4,00,000 बैरल प्रतिदिन वाला जो प्लान था कच्चा तेल का उत्पादन का, उसी पर ही स्टिक टू रहेंगे, उसी पर ही कायम रहेंगे। इसकी वजह से देख रहे हैं कच्चे तेल के जो दाम है उनमें और ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, कच्चा तेल लगातार आग पकड़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कच्चे तेल में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी कच्चा तेल देख रहे हैं एक के बाद एक रिकॉर्ड हाई लगाता नजर आ रहा है, कल के कारोबारी सत्र में भी देखा था हमने कच्चा तेल लाइफ टाइम हाई पर था, आज एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है ब्रेंट क्रूड ने, $116 के पार निकल चुका है, लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, WTI भी पीछे नहीं है, इस रैली में $113 पर WTI भी है। आपकी क्या राय रहेगी और आपको क्या लगता है क्या अब कच्चा तेल यहां से $120 के भी पार जा सकता है और उसका असर चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कितना देखने को मिल पाएगा? देखिए अभी जहां तक कच्चे तेल की तेजी की बात है ये कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है और बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि $120 तक ऊपर जा सकता है, क्योंकि आज भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है और प्राइजेज अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक देखा जाए रूस के अंदर, रूस जो है वो कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर आता है प्रोडक्शन के मामले में, और सऊदी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और इस वॉर के चलते अब एक्सपेक्टेड यही है कि रूस के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं जिसके चलते सप्लाई पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि रूस जो है वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को काफी बड़ी मात्रा में सप्लाई करता है, तो इसके चलते एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है और सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके
जिसकी वजह से कीमतें कंटिन्यूशन में बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही हैं और आगे भी ये रुझान बना रह सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वहां पर कोई भी ईज ऑफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। और क्रूड जो है $100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है कि $100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और अब यहाँ से $120 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो फंडामेंटली मार्केट जो है वो काफी सपोर्टिव है, इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी डोमेस्टिक मार्केट में अगर क्रूड 9000 के स्तर को भी छू दे, और यानी कि विदेशी बाजारों की अगर बात करें तो $120 से लेकर $140 की भी रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर इस तरीके की जियो पोलिटिकल टेंशन और ज्यादा गहराती है तो सबसे ज्यादा असर जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में बाइंग में रहना चाहिए, लेकिन ये लेवल्स भी काफी ऊपरी स्तर है, तो जो भी करेक्शन आए उस करेक्शन के अंदर आप में बाइंग करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर की भी जो प्राइसेस देख रहे हैं कि आज उनमें अपसाइड मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते लगभग सारी कमोडिटीज तेजी की हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर भी उनमें भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिन कुछ समय के लिए मुनाफा वसूली जरूर बनती है ऊपरी स्तरों से, लेकिन फिर से बाइंग इनिशिएट हो जाती है। आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में क्या अब रिकॉर्ड हाई एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि सोना और चांदी भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसमें भी एक रैली जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अखिलेश जब भी कोई इस तरीके की स्थिति बनती है, जब भी कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, तो सबसे ज्यादा जो तेजी है वो सोने और चांदी के अंदर ही देखने को मिलती है। आप देखिए चांदी जो हम कुछ समय पहले 60,000 के आसपास देख रहे थे, आज 68,000 पे कारोबार करती हुई दिखाई दी, और सोने में भी एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दी है। लगातार बाजार तेजी के साथ है, अब सोना यहाँ से 52,000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में और विदेशी बाजारों में भी तेजी का रुझान बना रह सकता है। $1940 के ऊपर सस्टेन होता है तो 1960 से 1980 डॉलर की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर इसी तरीके से स्थितियां गहराती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि गोल्ड एक बार फिर से $2000 को भी टच कर जाए। अगर वो स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो सबसे ज्यादा बाइंग जो है हमें सोने और चांदी में देखने को मिलेगी। कच्चा तेल ऑलरेडी सप्लाई के डिस्टर्ब के चलते बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो सभी नॉन एग्री कमोडिटीज काफी सपोर्टिव हैं, और इसका सीधा असर जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो नॉन एग्री कमोडिटीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनके भाव आसमान छूते नजर आ रहे हैं, और आगे भी ये तेजी बनी रह सकती है। अगर यहाँ पर ये स्थिति अब नहीं संभलती तो और ज्यादा स्थिति जो है वो भयानक होती दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी देख रहे हैं कि इस रैली में बेस मेटल्स भी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि जिंक में शानदार बढ़त देखने को मिल रही है, लगभग 3% की बढ़त है। एमसीएक्स जिंक में 329 पर ट्रेड कर रहा है, एमसीएक्स निकल 2050 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3.5% की बढ़त। एमसीएक्स लेड भी 189 पर है 0.5% की बढ़त के साथ, और कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट में $4.7 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि एमसीएक्स निकल और MCX जिंक काफी शानदार तेजी की ओर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, कई सालों के उच्चतम स्तर पर इनके रिकॉर्ड भाव देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या राय रहेगी, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई है, अब स्टील कारोबार हुआ, जैसे स्टील में हमने देखा है कि युद्ध से पहले, लड़ाई से पहले जो रशिया था वो स्टील का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, चाइना में अब स्टील का उत्पादन इतना हो नहीं रहा है, तो ऐसे में अब स्टील सहित MCX निकल, MCX जिंक, कॉपर, इनकी अब कैसी कीमतों में इनकी कैसे कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है, और आगे फंडामेंटल्स क्या बने रहेंगे? देखिए बिल्कुल फंडामेंटल अभी काफी सपोर्टिव है, जैसा कि हम लगातार बात करते आ रहे हैं, हमने हमेशा बोला है कि निकल जो है कभी भी 2000 के ऊपर निकल सकता है, और कॉपर 800 के ऊपर हमने बहुत पहले ही आपके ही बुलेटिन में ये टारगेट दिए थे और वो टारगेट सब अचीव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दूसरा जहां तक रूस और यूक्रेन की बात है, उनके चलते ग्लोबल लेवल पर स्टील एक्सपोर्ट जो है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन की ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट में 11% तक की हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है और ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से सभी बेस मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। और जहां तक जिंक और निकल की बात है, जिंक 16 सालों की अपनी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत अपने काफी लंबे अरसे के बाद आप कह सकते हो कि ऊंचाई पर निकल पहुंच चुका है, और जिंक पहुंच चुका है और निकल भी 11 साल की ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कॉपर में भी लगातार तेजी
जाती हुई दिखाई दी है। कॉपर में इतनी तेजी नहीं है जितनी निकल, एल्यूमिनियम और जिंक में हमें देखने को मिली है। वहीं अगर देखें तो कोयले की कीमतों में भी उछाल दर्ज किया जा रहा है। तो यानी कि इसका सभी कमोडिटीज के ऊपर एक अच्छा बुल रन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से अब निकल जो है 2050 के बाद 2080 से 2100 की रेंज पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और कॉपर 820 से 840 तक की तेजी पकड़ सकता है। और जिंक जो काफी टाइम से सुस्त था, अब जिंक में भी तेजी बनी है और 329 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां से जिंक भी 340 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर स्थिति और ज्यादा गहराती है तो इन सभी कमोडिटीज के अंदर एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप आज इंट्राडे के लिए, नॉन एग्री में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए के लिए सभी कमोडिटीज में तेजी है और इन सभी में बाइंग किया जा सकता है, लेकिन वहीं निचले स्तर देखने होंगे। करंट लेवल के ऊपर कहीं भी किसी भी कमोडिटी में बाइंग नहीं बनता है। थोड़ा सा करेक्शन मिले वहां पर बाइंग करना चाहिए। फिलहाल बाजार से दूरी बनाकर चला जा सकता है क्योंकि बहुत ऊपरी लेवल्स पर मार्केट ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। सभी कमोडिटीज 4-5% की तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई दे, तो फ्रेश एंट्री नहीं बनती है यहाँ पर। हाँ, करेक्शन में आप बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि अभी भी स्थिति पॉजिटिव ही है। और जहां क्रूड की बात है, क्रूड में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 8800 से 9000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।